हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बैकपैक एक्सपेडिशंस। तो आज का वीडियो एक्चुअली बहुत यूनिक है बिकॉज ये वीडियो लास्ट वीडियो के साथ लिंक्ड है। लिंक्ड इन द सेंस, लास्ट वीडियो में मैंने एक जगह आपको बोला था कि देर विल बी अ चेंज इन माई ब्लॉग्स। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एज यू ऑल नो कि मैं MBA कर रहा हूँ IIM Vizag से। सो अभी तक एक साल हो गया, तो अभी तक हम लोग कॉलेज नहीं गए थे। मैं पर्सनली नहीं गया था, बहुत लोग गए थे। तो कॉलेज का बुलाया भी आ गया है, तो फाइनली आई एम मूविंग टू कॉलेज। तो आज रात को ट्रेन है चेन्नई मेल, तो 12 बजे ट्रेन है। तो अगले जो ब्लॉग्स आएंगे वो सारे Vizag से होंगे। सो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज इन माई पाइपलाइन दैट आई एम प्लानिंग टू post. In this video I will be showing you the journey from Kolkata to Vizag. So journey ko start karne se pehle kal raat se main bahut hi busy tha with all the packing and all, aur totally shift ho ja raha hu hostel mein, to bahut sara luggage ho gaya hai. तो मैंने एक दोस्त को भी बोला है कि इतना सारा लगेज हो रहा है, वो Vizag स्टेशन में आएगा मुझे लेने कल। ये देख लीजिए, ये मेरा रूप सैक है। दिस इज़ माई ट्रॉली जहाँ पे जो फॉर्मल्स वगैरह पैक किया है। ये कुछ सामान है, फूड एंड ऑल वो है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक लैपटॉप्स एंड ऑल। दिस इज़ ए मोनोपॉड जो फोटोग्राफी के काम में आएगा। आज रात मेरा 11:55 को ट्रेन है, तो वहाँ पे मैं दोपहर को मैं Vizag पहुँचूँगा। मद्रास सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ऑल्सो कॉल्ड द चेन्नई मेल। सो द ट्रेन स्टार्टेड एट 12 शार्प एट नाइट, एंड आई बुक्ड अ सेकेंड क्लास AC फॉर माई सेल्फ, एंड द बर्थ्स वेर मच वाइडर एंड द एक्सपीरियंस वॉज मच मोर कोजी। इस सुबह के अभी बजे 7:15, तो हम लोग अभी कुर्दा रोड में हॉल्ट में उड़ीसा में हैं। तो और एक दो घंटे में आई गेस आंध्रा घुस जाएगा, उसके बाद 1:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे Vizag। तो और कुछ सीनिक ब्यूटीज़ भी बीच में दिखाएंगे, लेट्स सी। रोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू भुवनेश्वर। यहाँ से ट्रैक्स डिवाइड हो जाते हैं, वो वाले जो ट्रैक्स जा रहे हैं वो पूरी जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और ये वाले ट्रैक जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वो डायरेक्ट Vizag होकर चेन्नई निकल जाएगी। Train journeys have always been close to my heart. Looking through the window with amazing landscapes coming one after another is a treat to your eyes.
we are entering Andhra Pradesh from Odisha, and this is evident from the beautiful transitions in landscapes. And believe me, it is mesmerizing to look at. So guys, currently we are at just 1 hour distance from Vizag. लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट है, लाइक आधा घंटा लेट है, 2 बजे तक पहुँचेंगे. तो इन द मीन टाइम मैंने एलन को भी बोल दिया कि स्टेशन थोड़ा लेट से आने के लिए. तो एज यू नो ही विल बी कमिंग टू पिक मी अप बिकॉज लगेज बहुत सारा है. तो उसके साथ मैं अभी तो हॉस्टल जाऊँगा, उसके बाद थोड़े आज के लिए कुछ प्लान्स हैं. आज सब आ रहे हैं तो वी माइट प्लान टू पिक अप सम ऑफ माय फ्रेंड्स. तो आगे के अपडेट के लिए आप वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए. पहुंच गया, एलन के साथ मीट कर लिया. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, द थिंग इज़ दैट मेरा ट्रेन लेट हो गया, तो आकांक्षा का जो फ्लाइट था उससे टाइमिंग्स क्लैश कर रहे हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हॉस्टल नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली अभी एयरपोर्ट जाएंगे, उसको पिकअप करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक साथ वहाँ से हॉस्टल निकल जाएंगे. Guys, this is my coolie, and we have come to Visakhapatnam Airport to pick up Akansha Gaurav because we are already late and we haven't gone to the hostel, and we have come directly to pick up Akansha Gaurav, and we'll be moving towards the hostel after picking her up. There is another person who is coming here. Her name is Sucharya Mandal. Mandal. Okay, Sucharya Mandal is also coming with us. So we'll meet you all in hostel. After picking them up, we started heading towards the hostel. We all were really excited because a whole new journey have started. The city was beautiful, there are beaches, there are mountains, the entire city were planned. What more could you have expected from this city? Guys, finally, I have reached H5, which is my hostel. तो overall जो मैंने अभी तक देखा है, the location of H5 is very beautiful. लेकिन beach से around 5 to 10 minutes distance है, और hills भी pass है. But H2 is excellent because वो एकदम बीच के पास है. एक वीडियो आप ऑलरेडी देखेंगे H2 से लिया हुआ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ क्लोज इट फ्रॉम द बीच. तो ओवरऑल द वाइजैग सिटी, व्हाट इज, आई एम लिटरली इन लव विद दिस सिटी बिकॉज लाइक इस सिटी में कुछ चीज़ की कमी नहीं है. इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट द स्ट्रीट्स आर ब्यूटिफुल, इट इज़ स्लाइटली हिली एंड स्लाइटली इट हैज़ बीचेस एज वेल. द सिटी इज़ क्लीन, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा. देर लॉट ऑफ प्लेसेज वे कैन गेट यू ब्यूटिफुल एनी नेसेसरी थिंग्स यू वॉन्ट, क्योंकि वो हर जगह से इजिली एक्सेसिबल है. लेकिन आई थिंक दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू है बिकॉज आई डोंट सी मच बसेस. हाँ, ऑटो का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे. ऑटो आपको सब जगह पे आपको मिल जाएगा. आप कहीं भी जा सकते हो ऑटो में. ऊबर ऑटो मिलता है, ओला ऑटो मिलता है, रैपिडो ऑटो मिलता है, और मैक्सिमम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाइक्स एंड स्कूटीज ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे मतलब ओनली ऑटो इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बाइक होना बहुत अच्छी बात है. तो वो है एक, तो ओवरऑल ये सीन है.
रूम्स अभी मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई एम प्लानिंग टू शो द रूम्स ऑफ द हॉस्टल एज वेल एज द एंटायर हॉस्टल, तो वो दूसरे वीडियो में आएगा. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, टोटल जर्नी अच्छा लगा है, ये वीडियो को लाइक कीजिए. और आपको मेरा चैनल फॉलो करना पसंद है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो यू कैन गेट notified whenever I upload a video. Thank you.